नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स बुलेटिन का। काशीपुर में एसडीएम कार्यालय पर ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। ग्राम मानपुर नई बस्ती के लोगों के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने 27 साल पुरानी मांगों को लेकर एसडीएम आकांक्षा वर्मा का घेराव किया और उनको एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनको उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। काशीपुर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के आने से पहले ही शहर में जगह जगह सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसके चलते अब ये सरकार विरोधी पोस्टर शहर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी को लेकर एसडीएम आकांक्षा वर्मा ने बात की और बताया कि निगम कर्मचारियों के द्वारा पोस्टर्स को हटाया जा रहा है और जिन लोगों ने भी ऐसे पोस्टर्स लगाए हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अब प्राइवेट संपत्ति पर भी आचार संहिता लागू की जाएगी। महू में नए साल के स्वागत के लिए जिला प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन बनाई गई थी उसकी होटल और रेस्टोरेंट वालों ने खुलेआम धज्जियां उड़ा दी हैं। बता दें कि 31 को लेकर जिला प्रशासन द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें रात 11 बजे तक ही सभी होटल और रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाने पीने की दुकानें देर रात तक खुली रहीं और जिला प्रशासन की गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जबकि पुलिस प्रशासन द्वारा सड़कों पर वाहनों की चेकिंग के साथ शराब पिए हुए युवाओं को तलाशी ले लेकर जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करवा रहे थे। मिर्जापुर में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने झंडा दिखाकर मतदाता जागरूकता रैली निकाली। बता दें कि इस रैली में सैकड़ों मोटरसाइकिल के साथ मतदाता जागरूकता स्लोगन की पट्टियां लिए लोग इस रैली में शामिल हुए। हाथरस में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के आदेशानुसार अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाए जाने को लेकर जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। तराना में हुए कार्यक्रम में किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मुकेश पटेल फान्या का माधव इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्वागत किया गया। उनके स्वागत समारोह में भारतीय जनता पार्टी जिला उज्जैन ईश्वर सिंह पाटीदार, डॉक्टर जितेंद्र राठौड़, प्रवीण पालोत्रा और कमल जोशी समेत भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यूपी पुलिस जहां एक और अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने की बात करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर देहात में एक युवक की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, अपराधियों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को बुरी तरीके से जला दिया। अपराधियों के बढ़ते हौसलों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस कितनी तत्पर है और अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। तस्वीरों में जो शख्स बुरी तरीके से जला हुआ जमीन पर दिखाई दे रहा है, इस शख्स की पहले हत्या कर दी गई और फिर पहचान मिटाने के लिए इस शव को आग के हवाले कर दिया गया। शव को इस कदर जलाया गया कि युवक की पहचान कर पाना मुश्किल हो गया। पुलिस और परिवार दोनों ही इसे पहचानने में नाकामयाब साबित हुए। दरअसल कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र का रहने वाला ये शख्स नौशाद अली है। वो अपनी ससुराल संदलपुर में परिवार के साथ रहता था। नौशाद अली अमरूद के बगीचे की चौकीदारी करता था। बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से अपना और परिवार का भरण पोषण करता था। मुझे बताया सुनने को मिला सवेरे जिंदा जला दिया। जिंदा किसने जलाया? कुछ है कुछ कोई राजनीति नहीं मालूम। तो ये मेरे भाई है। इनकी क्या किसी से यहाँ रंजिश थी या कुछ थी? रंजिश नहीं, उनकी बीवी जी का किसी से रंजिश नहीं है। वहाँ पे यहीं रहता 12-14 साल से वो। हम रहते अपने ससुराल जसमल नगर। अभी मैं एक महीने से यहाँ आ गया, सिकंदरा रहने लगे। पैर टूट गया तो मेरा तनाव रहने लगे। हम जसमल नगर ससुराल रहते अपने। क्या लग रहा है किस वजह से इसकी हत्या की गई होगी? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। 9 बजे रात किसने अपनी बीवी के पास फोन किया था, जो भी बात हुई उनकी बीवी की, और उसके बाद सवेरे मुझे ये खबर मिली है। उन्होंने ये कही कि पुलिस मेरे पीछे है, का फायदा पकड़ जाएंगे, मारे ही कूटेंगे। हम बगिया में लेटे हैं, इनकी बीवी की ये बात हुई है और आगे पता नहीं। उन्होंने कहा यहीं ले लिया। सवेरे 9 बजे के टाइम पे करीबन सिकंदरा खबर मिली। हम बैठते दुकान पे, वहाँ पर तो वहाँ ये खबर मिली कि लड़के को सिकंदरा मतलब संदरपुर में जला दिया गया है। तो हमें क्या मतलब को जला देकर? फिर उसके बाद एक लड़का आया, भतीजा, उसने कही नौसाद को जला दिया है। जब हम लोगों को मालूम पड़ा तो यहाँ पर आए।
आप लोगों को किसी के ऊपर कोई शक है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकते सर। घटना हम सब नहीं बता पाएंगे, हम जब बता रहे कि रात की घटना, हम 5:15 पीएम से चले जाते हैं। 5:15 बजे? हाँ। तो ये बंदा यहाँ कैसे है? अब वो हम क्या बताएं कैसे है। आप तो यहाँ रखवाली करते थे, क्या इनका किसी के साथ कोई विवाद था? क्या था विवाद? तो साहब इनके चीज नहीं है, उनके रिश्तेदार सारे सब लोग ठाड़े, माई मोहल्ला रहने वाला। लास्ट टाइम आपने इनको कहाँ देखा था? वही आम जो खड़े हैं गेट के भीतर बैठे पी रहे। चलो हम जगह बताते हैं जहाँ पी रहे। किसके साथ पी रहे थे ये? वो लड़का हम नहीं साहब जानते, हम बताए काला काला लड़का है और इस बता रहे थे सिकंदरा का है। हम यू नहीं बता पाए सिकंदरा कहाँ का है। तो क्या लग रहा है कि उसी के द्वारा हत्या की गई है या कुछ? ये बेटा हम नहीं भाई भैया बता पाए हैं। परिवार वालों के मुताबिक शाम को नौशाद अली खाना खाकर बगीचे गया था और सुबह उसकी मौत की खबर आ गई। परिवार वालों ने बताया कि सुबह जब हम लोग बगीचे पहुंचे तो वहां पर एक शव जला हुआ पड़ा था, हम भी उसे पहचान नहीं पाए। ग्रामीणों ने नजदीक जाकर देखा तो उसकी पहचान नौशाद के तौर पर हुई। थाना मंगलपुर के समदरपुर चौकी क्षेत्र में चौकी से करीब 500 मीटर दूर एक अमरूद के बाग में छप्पर के नीचे एक तख्त पर सोए हुए व्यक्ति की लाश मिली है। प्रथम दृष्टया देखने से हत्या के बाद शव को जलाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी पत्नी के द्वारा तहरीर दिया गया है कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। जानकारी मिली है कि वो मूलतः सिकंदरा थाना क्षेत्र का रहने वाला था और पिछले 10-12 सालों से अपने ससुराल में रह करके बाग की रखवाली करता था। इस बीच एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या की बात प्रकाश में आ रही है, अज्ञात व्यक्ति की तलाश की जा रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेजवाया जा रहा है, मुकदमा पंजीकृत करके शीघ्र ही अनावरण कर लिया जाएगा। पुलिस ने परिवार वालों की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया है। मृतक के परिजनों ने इस बात को साफ कर दिया कि नौशाद की किसी से कोई रंजिश नहीं चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी बर्बरता के साथ किसी की हत्या किया जाना परिवार और पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब देखना यह है कि आखिर नौशाद की हत्या करने वाला वह शख्स कौन है और किसने किन कारणों के चलते नौशाद के साथ इतना खतरनाक मौत का खेल खेला है। यूपी के प्रयागराज से बड़ी वारदात सामने आई है, जहां शहर के कीटगंज इलाके में गुरुवार देर शाम गोलियां तड़तड़ाने से खलबली मच गई। बीच सड़क पर राम जानकी मंदिर के पास एक चाट की दुकान पर फायरिंग की गई। मौके पर खड़े 4 लोग गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को आनंद फानंद में SRN अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिस को आबकारी विभाग से निलंबित एक सिपाही और उसके साथियों के बारे में बताया गया है, जिनकी तलाश की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बीच सड़क पर राम जानकी मंदिर के पास एक चाट की दुकान पर फायरिंग की गई। मौके पर खड़े 4 लोग गोली लगने से घायल हो गए। इनमें से 2 सगे भाई चाट विक्रेता के बेटे हैं। घायलों को आनंद फानंद में SRN अस्पताल ले जाया गया, जहां BJP विधायक संजय गुप्ता भी पहुंच गए। शुरुआती जांच में पुलिस को आबकारी विभाग से निलंबित एक सिपाही और उसके साथियों के बारे में बताया गया है, जिनकी तलाश हो रही है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सिपाही के घर पर धावा बोलकर आग लगा दी। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत किया। वहीं पुलिस का कहना है कि इस वारदात को पुरानी दुश्मनी के रंजिश में अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि मामला गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे का है, जहां कीटगंज में लोग दुकानों पर खरीदारी के लिए निकले थे। तभी राम जानकी मंदिर के पास ताबड़तोड़ फायरिंग होने पर भगदड़ मच गई। कुछ देर बाद पता चला कि गोली लगने से 4 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 2 के पिता विनोद की चाय की दुकान है। घटना के बाद चीख पुकार और कोहराम मच गया था, जिसके बाद वहां कीटगंज समेत 3 थाने की पुलिस आ गई। घायलों को उठाकर फौरन SRN अस्पताल ले जाया गया। कीटगंज में आज बीच वाली सड़क से भार्गव बूथ जो रोड जाती है, इस पे विनोद चाट के सामने ये 3 लोगों के ऊपर फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें एक पैर में लगी हुई है, एक कंधे में लगी है और एक जो राजन है उनके पीठ में लगी है और आँख के पास भी लगी हुई है। घटना के पीछे जो अभी जानकारी इनसे पूछताछ विस्तृत हुई है, तो कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड में कोई जमीन का या पैसे का कोई लेन देन का कोई विवाद नहीं है।
एक बिमलेश पांडे जो आरोपी है इसमें अभियुक्त है, वो उसको बताया जा रहा है कि जब से वो निलंबित है लगभग 2-3 महीने से यहीं काफ़ी बैठा था। सामने कोई लाली है जो एक मकान है जिसके मालिक श्री सतना में रहते हैं, यहाँ रहते ही नहीं है काफ़ी दिन से। तो लाली के पिताजी को वो किराए पर दिया गया था, तब से फिर लाली उसमें रहने लगा था। लाली ने ही बाद में कुछ वकीलों को उसमें रखवा लिया था। तो मकान का और मकान मालिक के बीच का कोई टसल तो खैर नहीं आया प्रकाश में, लेकिन लाली की वहाँ पर शरारती थी कि वहाँ पर जो है एंटी सोशल एलिमेंट को बैठाना शुरू किया था, जिसमें विमलेश करसना का रहने वाला है और ये आबकारी विभाग में कांस्टेबल है, बनारस में पोस्ट है। वहाँ भी किसी महिला कांस्टेबल के साथ बातचीत में इसका ऑडियो खराब जारी हुआ था, उसी पर ये निलंबित चल रहा है बनारस से पिछले 3 महीने से। और ये भी बताया गया कि वो करछना में जो इसके असलहे थे पहले, वो वहाँ भी उसके खिलाफ़ एक मुकदमा था जिस पर वो निलंबित हो गए। 3 असलहे वो जमा है वहाँ पर और इसका यहाँ पर बैठना उठना हो गया था। जबकि यहाँ किराए पर रहता है, पीछे एक जगह मकान किराए पर रह रहा था जहाँ देखा गया, और लेकिन सामने लाली के यहाँ बैठना होता था। वजह भी सामने बैठ करके सिर्फ कहा सुनी और थोड़ी दबंगई दिखाना, इसी बात को लेकर के ही आज भी इनके बीच की कहा सुनी शुरू हुई है और फिर फायर किया इसने। किसी पुरानी रंजिश को लेकर बताया ना आपको कि कोई पुरानी रंजिश में इनकी घटनाक्रम कराई, लगातार ये यहाँ से बैठता था तो इनकी कहा सुनी सिर्फ उसके जो स्वभाव है वो थोड़ा सा अकड़ू टाइप बताया जा रहा है और अनावश्यक का फसल लेने का लोगों का था उसका, और उसी चीज़ों में इसको लेकर के हुआ। वो गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और हम उसको गिरफ्तार भी करेंगे। निलंबित सिपाही आबकारी विभाग से, आबकारी विभाग का सर कोई गंभीर रूप से तो घायल नहीं है उसमें? राजन को अभी पीठ में लगी हुई गोली वहाँ पे, और तो कंधे पे जिनको लगी वो तो ठीक है, और जो राम जी को पैर में लगी वो भी ठीक है, राजन के पीठ में लगी जरा जब उसको देखना होगा कि वाइटल पार्ट की जरूरत है। अस्पताल में चायल के भाजपा विधायक संजय गुप्ता भी पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर पुलिस से सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा। फिर आईजी समेत कई पुलिस अधिकारी भी अस्पताल आ गए। पुलिस को बताया गया कि घटना में आबकारी के निलंबित सिपाही समेत कुछ लोग शामिल हैं जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गुस्साए लोगों ने सिपाही के घर पर हमला कर दिया, पथराव करने के साथ ही निलंबित सिपाही के घर में आग भी लगा दी। पुलिस बल ने स्थिति को संभाला और दमकल बुलाया गया। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इन्हीं खबरों के साथ रिपोर्टर्स बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहे केकेडी न्यूज के साथ।